चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अभी हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले लास्ट क्लास में देखा था कि वोल्टेज कांस्टेंट रखा था। इस बार क्या करेंगे कि हम लोग चार्ज कांस्टेंट रखेंगे। चार्ज कांस्टेंट कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस कैपेसिटर को चार्ज करने वाले हैं। अभी देखो इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे जो चार्ज है आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इस जगह जो चार्ज है ये वाला पे चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये चार्ज इस पे 0 है, राइट। अभी हम लोग इसको चार्ज करने वाले हैं, तो कैसे चार्ज करेंगे भाई। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं। देखो जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, अभी आप चेक करो इसके पास यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आपका 0.569 है, ठीक है। चेक करो आप, 569 वोल्ट का वोल्टेज है, राइट। नाउ अब क्या करेंगे भाई, तो चार्ज तो ये हो चुका है, अब चार्ज हो चुका है तो अब अफेक्ट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स देखना। चार्ज होने के बाद अब हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। बैटरी को हमने क्या किया, डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। पहले इसको वापस से कनेक्ट किए, देखो प्लेट चार्ज कितना है, 0.5। अब हम लोग क्या किए, डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी को, तो डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी को। अभी प्लेट चार्ज भाई 0.5 है, वोल्टेज आपका उतना ही बना हुआ है 0.569 वोल्ट, ठीक है। तो पहला चीज यहाँ पे हमारा चार्ज, अब देखो चार्ज जो होगा हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। पहला चीज हर केस, पहला इफेक्ट जो हम लोग लेंगे, ठीक है, वो पहला इफेक्ट हम लोग लेने वाले हैं कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी जो कैपेसिटेंस है तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी, राइट। तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा पर वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो अभी कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं आया होगा। बोलोगे कैसे, तो देखो सबसे पहले आप अभी कैपेसिटेंस देखो 0.89, जब बैटरी कनेक्टेड भी है, अभी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट भी कर दी, देखो तब भी कैपेसिटेंस सेम है या डिफरेंट है, बताओ, चेक करो और बताओ। बैटरी कनेक्ट है तब का कैपेसिटेंस और बैटरी डिस्कनेक्ट है तब का कैपेसिटेंस, कोई डिफरेंस है क्या, सेम है, कांस्टेंट, राइट। चलो ना अभी आप लोगों से सवाल है, मुझे बताओ कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक अंदर डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग लास्ट क्लास जितना ही ले रहे हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग 2 ले रहे हैं, बताओ कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा तो कितना टाइम्स बढ़ेगा, देखो जवाब नहीं आ रहा, सबका जवाब आना चाहिए। चलो इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, आइए देखते हैं। आप लोगों को पता है कि सी इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, एप्स के सी नॉट, याद करो, या फिर के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या फिर के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अभी आप लोग बताओगे अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, अभी ऑलरेडी कितनी है, 0.89 × 10⁻³। अभी क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक अंदर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ, डबल डबल या के टाइम्स, वो तो मुझे मालूम है, यानी कितना एग्जैक्ट वैल्यू बताइए ना, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। यस 1.78 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1.8,
ये देखो इसको डाला अंदर, ये चला गया। देखो तो लगभग 1.77 या 1.8 है ना, तो सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट, दैट इज इंक्रीजेस बाई 2 टाइम्स। ठीक है, चलो इसी केस में थोड़ा सा, इसी केस में अभी देखो, इसी केस में हम लोग वोल्टेज भी डील कर लें। अभी देखो तो सबको नोटिस करो, वोल्टेज कितना है स्क्रीन पे, वोल्टेज कितना है स्क्रीन पे, देखो सब स्क्रीन पे वोल्टेज देखिए और बताइए। 0.569 वोल्ट। अब ऐसे तो आप लोग देख चुके हो, अभी जस्ट आप लोग देख लिए हो, बट मेरा सवाल फिर से वही है, डायरेक्टली डालने पे वोल्टेज के साथ क्या हो, डायरेक्टली डालने पे वोल्टेज के साथ क्या होगा। सोच के बोलिए, अभी इसका मतलब अभी आप लोग नोटिस नहीं किए, जो लोग बोल रहे हैं इंक्रीज होगा सेम होगा, इसका मतलब अभी जस्ट आप लोग नोटिस नहीं किए कि वोल्टेज के साथ क्या हुआ। आप लोग सिर्फ कैपेसिटेंस पे ध्यान दिए और वोल्टेज पे ध्यान दिए ही नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगा कांस्टेंट। अरे वोल्टेज तो बैटरी कनेक्टेड होता है तब कांस्टेंट होता है, क्या आप लोग अभी नोटिस क्यों नहीं किए जब मैंने डाला, अब फिर से नोटिस करना। देखो कैपेसिटेंस 0.89 है, वोल्टेज 0.569 वोल्ट, इसी में देखो अभी अंदर डाल रहे हैं। अब बताओ वोल्टेज कितना होगा, वो कैपेसिटेंस तो आप नोटिस किए थे लेकिन वोल्टेज आप नोटिस नहीं किए थे, अब वोल्टेज नोटिस करो, बताओ क्या हुआ। हाफ हो गया, डिक्रीज हुआ ना, तो कैसे बोल रहे थे कांस्टेंट है या वोल्ट इंक्रीज होगा, सबको एक साथ नोटिस किया करो। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे हो गया, तो कैसे हो गया था आइए देखते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ आपको पता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, राइट, वी इक्वल्स टू क्या, वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, यानी कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, तो वी अगर देखो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हुआ ना, यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि अगर सी बढ़ेगा तो वी घटेगा। अब सी बढ़ा है कितना टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ा है, तो एज सी इंक्रीजेस बाय के टाइम्स वी डिक्रीजेस, यानी सी बढ़ेगा तो वी घटेगा, वी डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। देखो यहां पे हाफ हो गया, अगर इस जगह पे देखोगे, इस केस में देखोगे तो, इस केस में देखोगे तो आपका क्या था, पहले देखो तो 0.569 था, इसका लगभग हाफ करोगे तो 0.284 आएगा क्या, बताओ क्या नहीं आएगा 0.284। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का काम हमारा हो गया। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ध्यान से, तो दो फैक्टर्स तो हमने देख लिया, कैपेसिटेंस देख लिया, वोल्टेज देख लिया, चार्ज भी देख ही लिया कि चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आप नोटिस करो चार्ज पहले भी 3 यहाँ पे एक लेयर में दिखेगा, यहाँ पे अभी भी 3 दिखेगा। अब बात ये उठता है, ठीक है ध्यान से मेरी बात को समझना, फिर से बोल रहा हूं ठीक है, कि मुझे एक बात बताओ कि अगर, ठीक है ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, तो इसको हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को ये क्लियर, मैं डिस्टेंस को घटाऊंगा, डिस्टेंस को घटाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा बाबू, डिस्टेंस को घटाने पे कैपेसिटेंस क्या होगा।
इंक्रीज, क्यों? क्योंकि सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो डिस्टेंस डिक्रीजेस तो सी इंक्रीजेस, होगा कि नहीं? ठीक है, देखो डिस्टेंस को घटा के देखते, देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, नोटिस करना सर, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 0.89, अभी हम लोग डिस्टेंस घटा रहे, ये देख क्या हो रहा है कैपेसिटेंस, बताओ क्या हो रहा है, इंक्रीज, राइट। अब वोल्टेज साथ में नोटिस करो, तो साथ में वोल्टेज भी नोटिस करो, चलो साथ में वोल्टेज भी नोटिस करो, देखो सब कुछ नोटिस करना है, वोल्टेज अभी 0.569 वोल्ट है, देखो हल्का डिस्टेंस घटा है, वोल्टेज देखो क्या हो रहा है, बताओ वोल्टेज बताओ, डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई, तो क्या होता है कि Q इक्वल्स टू सी वी, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो V इक्वल्स टू Q बाई सी, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, अब देखो C तो यहां बढ़ा, तो C बढ़ा तो V क्या हो गया, घट गया, यानी कि डिस्टेंस घटाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि डिस्टेंस घटाने पे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाने पे वोल्टेज घट जाता है, क्या ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो ओके ठीक है, चलो इसी तरीके से मैं सेम चीज अभी आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, मैं अब आप ही जवाब आप लोग दोगे, मैं फिर बता रहा हूं, इसमें मैं कुछ डील करने वाला नहीं हूं, सवाल क्या है सुनिए, अगला सवाल यह है कि हम लोग एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देखो इसको वापस से वहीं पे पहुंचा रहे, सबसे पहले इसको वापस से यहां पहुंचा दो, अब पहले तो ये बताओ कि एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, बताओ, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो बताइए वोल्टेज के साथ क्या होगा बाबू, वोल्टेज के साथ सोच के बोलो, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, चलो ठीक है ठीक है, मैक्सिमम लोगों का भी इसमें समझ में आ रहा है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे, देखो एरिया भी हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, नोटिस करना, एरिया बढ़ाए तो देखो वोल्टेज भी साथ में क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, इतना था नोटिस कीजिए, ठीक है, वोल्टेज अभी आपका कितना है 0.569, साथ में कैपेसिटेंस भी नोटिस करना, वोल्टेज भी नोटिस करना, देखो एरिया बढ़ा है, देखो ऊपर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और इधर वोल्टेज घट रहा है, नोटिस करो, है ना, ऊपर देखो कैपेसिटेंस घट रहा है और फिर वोल्ट कैपेसिटेंस सॉरी कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और वोल्टेज घट रहा है, ठीक है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर से वही काम, एरिया बढ़ा सी बढ़ा, तो सी बढ़ा तो आपको यहां से अभी आपने देखा था कि वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, चार्ज तो कांस्टेंट है, V is inversely proportional to C, तो C बढ़ा तो V घटा, ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब
हम लोग का इसका काम हो गया। अब सवाल उठता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, चार्ज देख लिया, कैपेसिटेंस देख लिया, वोल्टेज देख लिया, अब आते हैं हम लोग किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो आएगा वो हम लोग एनर्जी पे आएगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी वोल्टेज को इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, वोल्ट मीटर को, उसका काम नहीं है। सबसे पहला जो चीज रहेगा इसको अंदर डालेंगे, आप लोग बताओ मुझे, अब बताओ मुझे कि डाइलेक्ट्रिक अंदर डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई। देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 57 वोल्ट पर मीटर। बताओ डाइलेक्ट्रिक अंदर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, और इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा तो कितने टाइम से होगा। सोचो और सोच के बोलो, फिर से सोचिए। विक्रम फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, कल सही जवाब दिए थे आज उल्टा जवाब दे रहे हैं, ठीक है। जया कांस्टेंट रहेगा, सोचो सोचो। देखो क्या, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या इस बार हम लोग E इक्वल्स टू वी बाई एल का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर V बाई डी का फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, V बाई डी का फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, सो इतना बता दो मुझे। चलिए बताओ क्या E इक्वल्स टू V बाई डी का फॉर्मूला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जो लोग यस बोल रहे हैं वो मोर ऑप्शन में जाकर के यस कीजिए, जो लोग नो बोल रहे हैं वो नो कीजिए। बाबू इस बार ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, आज का सवाल का जवाब कल ही विक्रम ने दिया था क्लास में, अगर आपको याद हो तो कल विक्रम ने इसका सही जवाब दिया था और आज विक्रम खुद कंफ्यूज है। और मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बोला भी था कि बाबू ये फॉर्मूला जब वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है तब लगता है ना। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, हाँ क्या डाउट है अंशु, अनम्यूट करके पूछिए। अंशु आपको कोई डाउट है क्या, आपने हैंड रेस किया। सर मैसेज नहीं जा रहा, और मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज तो आ रहा है मुझे आपका, नहीं मेरा मैसेज नहीं आ रहा, जा रहा। अच्छा अच्छा, तो आप एक बार रिज्वाइन कर, कोई नहीं आपको बोल लेना, ठीक है, यस और नो कर लो, वो नहीं तो फोन करोगे तो वो इशू ठीक हो जाएगा, ठीक है ठीक है। मुझे ये बताओ, अभी ये बताओ ठीक है कि यहाँ पे V by D वाला कांस्टेंट वोल्टेज तो है नहीं, राइट, तो हम लोग V by D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब ये वाला फॉर्मूला EM, याद करो EM equals to E naught minus EI, जो कल विक्रम ने बताया था और ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, E equals to E naught by K, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। चलो आप सब जवाब दो, सबका जवाब आना चाहिए। अभी भी इंक्रीज, ऋषिकेश, प्रियंका, राज, अभी भी आप लोग को लग रहा है इंक्रीज होगा। अरे नालायको, इनोड भाई की है, 10 को 3 से या 2 से डिवाइड करोगे तो घटेगा या बढ़ेगा, नालायक सब। तो यहाँ पे देखो अभी E नॉट बाई के था, तो कैपेसिटेंस K की वैल्यू तो 2 है, तो K की वैल्यू 2 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट ना जाएगा जी। ये देखो कितना हो गया, देखो चलो देखो जल्दी देखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा। हाँ तो घटा या बढ़ा,
इस केस में बिकम्स हाफ। देखो लगभग हाफ आया है ना, ठीक है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या आप डाउट सबको क्लियर हुआ कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, पुराने केस में कांस्टेंट रह जाता था। चलिए अब अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि बाबू डाइलेक्ट्रिक को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों से सवाल अभी है एरिया बढ़ाने पे, बताओ एरिया बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, बताओ एरिया बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, जवाब बताइए सोच के। याद करो टू प्लेट्स वाला, पहला चैप्टर में बताया है, पहला चैप्टर वाला याद करोगे तो वहां से सही जवाब दोगे, नहीं याद करोगे तो गलत जवाब दोगे। मैं डाइलेक्ट्रिक डालने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ एरिया बढ़ाने का। डाइलेक्ट्रिक तो चलो डाल दिया, लो ये डाइलेक्ट्रिक डाल दो, अब बताओ इसके बाद अगर एरिया बढ़ाएंगे तब क्या होगा। देखो आंसर भी दिख गया होगा अभी आपको, आंसर दिखा नहीं दिखा, अभी जस्ट मैंने किया, अगर नोटिस किए होंगे तो ठीक है। बिल्कुल डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा सो देखिए, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो सबसे इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला पढ़े हो कहीं, ऐसा लग रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा को क्या लिखते हैं बाबू, क्यू टाइम्स ऑफ क्यू बाय ए लिखते हैं ना। अब एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो यहां से आप लिख सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया यानी कि क्या, यानी कि एरिया बढ़ाओ, ठीक है। एरिया क्या करोगे, एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अभी नोटिस करो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डाले, पहले प्लेट एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर, अब इसको बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, 13 हो गया, पहले कितना था, पहले 28 था। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, चलिए अभी बताओ अगर डी डिस्टेंस को घटाएंगे तब क्या होगा, अगर डिस्टेंस को घटा देंगे तब क्या होगा, एरिया बढ़ाने पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बताया प्रियंका, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। यहाँ पे देखो ना एरिया बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, एरिया जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नोटिस करो इस जगह पे, इस जगह पे आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो वैल्यू घटेगा, एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे ये घट रहा है, ठीक है। चलो अब सवाल ये है कि डिस्टेंस के साथ क्या होगा, बताओ डिस्टेंस घटाएंगे तो आप ही लोग बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच के बोलो डिस्टेंस घटाने पे। आप देखो क्या है ये, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, आप देखो ना, अरे नालायको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, कहीं डिस्टेंस डी आ रहा है क्या, तो फिर कैसे बोल रहे हो। चलो एक का जवाब आया कॉन्स्टेंट,
ठीक है मनमोहन, ठीक है अंशु, ठीक है राशि। तो कांस्टेंट ना रहेगा जी, यहाँ जब डिस्टेंस है ही नहीं तो इसको देखो बढ़ाओ घटाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रह रहा है। देखो पहले भी 14 था, बाद में 14 है, डिस्टेंस बढ़ा रहे घटा रहे, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। इस केस में, सिर्फ इस केस में, पुराने वाले केस में मत कंसीडर कर लेना जब वोल्टेज कांस्टेंट था, ठीक है, उस केस में अलग होता है, इस केस में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्या यहां तक क्लियर सबको? क्या यहां तक क्लियर सबको? चलो अब फाइनल हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दो, वापस से यहाँ पे आ जाओ, जो सबसे छोटा था वहां पे पहुंच जाओ। अब बात करते एनर्जी की, ठीक है, आप लोग बताओ एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे तीन फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है, इक्वल्स टू सी वी, हाफ सी वी स्क्वायर बाई टू और क्यू वी बाई टू, ठीक है। तो अभी आप लोग बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, कौन सा लगाएं? लगा तो तीनों ही सकते हैं एक्चुअली, बट कौन सा लगाना आसान हो। बताइए, दूसरा क्यों लगाएंगे विक्रम, वोल्टेज तो कांस्टेंट है ही नहीं, दूसरा क्यों लगाएंगे सो बताओ। तो वोल्टेज कांस्टेंट है क्या इस केस में? नहीं ना। थर्ड भी नहीं लगाएंगे क्योंकि चार्ज, हाँ थर्ड लगा सकते हैं कि चार्ज आपका कांस्टेंट है, वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो यानी एक ही क्वांटिटी वोल्टेज वेरी कर। दूसरा लगाना आसान ये होगा, पहला वाला आसान ये होगा, पहला और थर्ड लगाएंगे, दूसरा वाला कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सी भी वेरी करता है, वी भी वेरी कर सकता है। तो पहला मैं लगा रहा हूं क्योंकि इसमें चार्ज आपका कांस्टेंट है, एज क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। अब बताओ ध्यान से मुझे बताओ, एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो? डाइलेक्ट्रिक अंदर डालें तो एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा बताइए, अभी सबने देखा भी होगा आंसर। सोच के बोलो, फिर से सोच के बोलो। ठीक है चलो ओके, जो लोग डिक्रीज बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात, इंक्रीज वाले गड़बड़ कर रहे हैं। देखो आपको मालूम है कि सी इक्वल्स टू के सी नॉट होता है, तो सी इंक्रीज हो जाएगा तो यू डिक्रीज हो जाएगा। देखो पहले का एनर्जी, अभी नोटिस करो अभी एनर्जी कितना है, सबको बताओ तो अभी एनर्जी कितना है, अभी जीरो पॉइंट वन फोर समथिंग यूनिट्स, ठीक है ना, 0.14 इंटू समथिंग यूनिट्स है ना। अभी नोटिस करो, अभी डाइलेक्ट्रिक अंदर डाले, अभी एनर्जी क्या होगा, कितना हो गया देखो नोटिस करो, हाफ हो गया ना, हाफ नहीं हो गया क्योंकि ये था ना आपका टू टाइम्स कैपेसिटेंस, टू टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस, के टाइम्स हो जाता है तो एनर्जी के टाइम्स घट जाता है। तो आप क्या लिखोगे, सो एनर्जी डिक्रीजेस बाई के टाइम्स, दैट इज बिकम्स, इस केस में कितना हो गया, हाफ हो गया। क्या ये क्लियर है सबको? क्या
हाँ ये इस केस में आप बोल सकते हो, ठीक है। इस केस में आपका हाफ हो गया।